एक साइड में जो आएंगे लोग। हाँ शुरू करो, शुरू करो। हाँ शुरू करो। अदर में सर्वे रखो, सर्वे हमारे ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी यूथ कांग्रेस ऑफिस बरवाड़ी, इनके चीफ गेस्ट श्री राजशेखर बी पाटिल एमएलए लाइन आर्मी चेयरमैन कर्नाटका यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो हमारे यहाँ पर श्री राजशेखर बी पाटिल साहब तशरीफ लाए हैं, और डॉक्टर प्रकाश पाटिल वाइस प्रेसिडेंट जिला पंचायत तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर सिद्धू पाटिल कांग्रेस प्रेसिडेंट तशरीफ लाए हैं, अभिषेक पाटिल यूथ लीडर हमनाबाद तशरीफ लाए हैं, और हमारे मेहमान खुसूसी जो हैदराबाद से आए हुए हैं मोहम्मद गौस भाई एक्स कॉरपोरेटर हैदराबाद, इन्होंने तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद कहता हूँ। और हमारे यूथ कांग्रेस के भाई संदीप हुए यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, और विवेकानंद काले घरवाड़ी फरीद खान यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उमेश जानकी यूथ कांग्रेस तालुका प्रेसिडेंट हमलापार, इन सभी भाइयों का मैं धन्यवाद कहता हूँ। और शिवाजी रो सोसाइटी प्रेसिडेंट खारगोड़ों का धन्यवाद कहता हूँ। आप तमाम भाइयों से गुजारिश की जाती है कि प्रोग्राम को चलो खोलो बस श्री राजशेखर बी पाटिल एमएलए लाइन आर्मी चेयरमैन कर्नाटका की कुलपति खादर भाई रमजानी जिला पंचायत झाड़पुरा सर्कल यूथ कांग्रेस से गुजारिश की जाती है एक जने शाम कुलपति करें, एक जने जाइए फुला प्लान तुम बीचों में कॉल करना। अरे और इसी तरह हमारे डॉक्टर प्रकाश पाटिल वाइस प्रेसिडेंट जिला पंचायत बीदर, और इनकी गुलपोशी जनाब अखिल साहब ग्राम पंचायत मेंबर घरवाड़ी से गुजारिश की जाती है कि इनके गुलपोशी करें। इसी तरह हमारे मेहमान खुसूसी जो हैदराबाद से तशरीफ ला चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद गौस भाई एक्स कॉरपोरेटर हैदराबाद, इनकी गुलपोशी खादर भाई रमजानी से गुजारिश की जाती है कि इनकी गुलपोशी करें। भाई थोड़ा बैठो भाई, जरा आ जा। इसी तरह हमारे अभिषेक पाटिल यंग लीडर हमनाबाद, इनकी गुलपोशी शहाबुद्दीन मुतवल्ली यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हमनाबाद से गुजारिश की जाती है कि इनकी गुलपोशी करें। हमारे यहाँ पर यूथ कांग्रेस के संदीप बुए यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इनकी गुलपोशी शिवाजी राव कॉलेज से गुजारिश करता हूँ कि इनकी गुलपोशी करें। और हमारे खाजा बिलाल साहब एक्स कॉरपोरेटर जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, इनकी गुलपोशी खादर साहब रमजानी करेंगे। हेलो भाई, इधर देखो भाई, और इसी तरह फरीद खान यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनकी गुलपोशी गौस खान करें। चलो भैया नीचे आ जाओ। हमारे यहाँ पर मुन्नाबाद के उमेश जनकी यूथ कांग्रेस तालुका प्रेसिडेंट मुन्नाबाद, इनकी गुलपोशी विवेकानंद काले से गुजारिश करता हूँ कि इनकी गुलपोशी करें और सम्मान करें।
और हमारे जो घाटबोरन से तशरीफ लाए हैं नानू भोसले सरपंच ग्राम पंचायत घाटबोरन इनकी गुलपोशी भीमराव काले ग्राम पंचायत गरवाड़ी से गुजारिश करता हूं करें। चलो नेक्स्ट शिवाजी राव सोसाइटी प्रेसिडेंट घाटबोरन इनकी गुलपोशी खाजा भाई मल्ले वाले करें। जल्द से जल्द गुलपोशियों का प्रोग्राम कंप्लीट करें, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। हार लो इसी तरह हमारे हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं सत्तार हाफिज साहब इनकी गुलपोशी तबरेज रमदानी से गुजारिश करता हूं कि आकर इनकी गुलपोशी करें, जल्द से जल्द करें, टाइम बहुत कम है। इधर 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 इसी तरह हमारे यहाँ पर राजीव पाटिल घाटबोरन तशरीफ लाए हैं इनकी गुलपोशी हमारे शाहबुद्दीन मुतवल्ली करें। यहाँ पर हमारे हैदराबाद से जो आए हैं बाबा भाई इनकी गुलपोशी इब्राहिम नन्नू करें। आजो जरा छोड़ो रस थोड़ा ऊपर आ जाओ आजो। माधुराव सोम कामरे इनकी गुलपोशी शारदा जो वाइस यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट है इन्हों करें। और हमारे यहाँ पर घाटबोरन से आए हुए गोरखनाथ गोड़बोले के गुलपोशी श्री भीमराव काले करें। हमारे यहाँ पर हैदराबाद से आए हुए कलीम भाई की गुलपोशी मंडले साहब बुंगे करें। गुलपोशी का प्रोग्राम इसी तरह हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, वक्त ज्यादा हो चुका है। श्री राज शेखर बी पाटिल एमएलए लाइन आर्मी चेयरमैन इस्पन खानी की दोस्त तारा होदी आज का घाटबोड़ में घड़वाड़ी में यूथ कांग्रेस कमेटी के ऑफिस इनॉग्रेशन मेरे साथ जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश पाटिल जी और हैदराबाद से जो एक्स कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस जी उसके साथ खाजा बिलाल साहब जी और उनके साथिया और हमारे जो घड़वाड़ी खालपुर जो मंच के ऊपर सभी नेतागण और यहाँ पर सभी लोग आज यूथ कांग्रेस के ऑफिस इनॉग्रेशन के लिए आप लोग सब आए। मैं क्षेत्र के एमएलए बनते हुए आप लोगों को मेरे तरफ से आपको अभिनंदन मैं देना चाहता हूं। आज विशेषकर ये पहली बार घड़वाड़ी में चुनाव से पहले जो यूथ कांग्रेस के
ऑफिस, पहला ऑफिस आज गढ़वाड़ी में प्रारंभ हो गया। आज आप लोगों को मालूम है, हमारे हैदराबाद के जो गेस्ट आए उनको बोलना चाहता हूं, जो चुनाव भी होता तो ऐसे ही चालू होता। क्या बोले तो जो बूथ नंबर एक, यही गढ़वाड़ी से ही बूथ नंबर एक चालू हो जाता। मैं पिछला जनस्पंदन का कार्यक्रम आयोजित टाइम को मैं बोला था, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट किया था, जो हुमनाबाद मत क्षेत्र में जो 2008 और 2013 उससे पहला ये हुरसू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में था, मैं आने के बाद यहां पर आप लोगों का क्या इच्छा है, जो सुवर्ण ग्राम रहने दो, चाहे शाश्वत कुड़ीव नीरण योजना रहने दो, और आपका गांव में जो बड़ा काम 1 करोड़ रुपए देकर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो इस्माइल खादरी का जो यहां पर दर्शन के लिए, खाली मुस्लिम भाई नहीं, हर जात के लोग हैदराबाद से पकड़कर आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक से हर लोग यहां पर आते हैं, तो इसलिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से 1 करोड़ रुपए खर्च कर आपके सामने बिल्डिंग चालू। आज रोड के बारे में डॉक्टर प्रकाश पाटिल को मालूम है, हम यहां पर जो खड़क चिंचोली से गढ़वाड़ी आने के लिए और हुमनाबाद माणिक नगर से गढ़वाड़ी आने के लिए करीब हम 20 से 25 करोड़ रुपए मैं खर्च कर आज यहां पर रोड का काम भी चालू है। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अभी तो आज आपको मालूम है राष्ट्रीय भारतीय जनता पक्ष का अध्यक्ष अमित शाह जी भी आज हुमनाबाद को आए थे, लेकिन उन लोगों को ये हुमनाबाद का एमएलए बहुत पावरफुल है, तो अमित शाह राष्ट्र के अध्यक्ष हुमनाबाद आना पड़ा, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन आज हुमनाबाद तक भी अमित शाह जी का प्रवास हो गया। लेकिन आज आप लोग सोचना है, ये ना जात के ऊपर ना चुनाव लड़ नहीं सकते, क्या साहब हमारे कार्पेंटर साहब हैदराबाद की ये क्या है, अगर कास्ट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये कभी भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक आपका ध्यान में रहने दो, क्या वो तो एक ऐसा बड़ा गांव में आप है, जो इस्माइल खादरी जी का पुण्य क्षेत्र में हम लोग हैं, और 12वां शताब्दी में विश्वगुरु बसवण्णन का जो बसव कल्याण जो बीदर ये बसवण्णन का कर्म भूमि है, इसमें 12वां शतमान में बसवण्णन बोला, इवन यारव इवन यारव इवन यारव एन्नदे इवन नम्मव इवन नम्मव इवन नम्मव एन्नया कूडल संगन देव। आज हम खाली हमी बोलकर बोलने के नहीं, सब लोग हम आज हम जात, जब चुनाव आता तो सबको लोग जो जो पार्टी से रहते जब जात का मालूम होता, मैं ये सोचता हूं जात बोले तो एक औरत एक मर्द, दो ही जात बोलकर मैं समझता हूं, कि आज हम सारे लोग हम कर ले रहे, मैं लिंगायत हूं, लक्ष्मोदन पाटिल मुस्लिम का है, सुभाष कल्लोर लिंगायत का है, हम सब कास्ट के ऊपर चुनाव लड़े तो हमारे को कुछ होता, अगर मैं खाली लिंगायत का वोट लेकर मैं कुछ करना चाहता ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, मुमकिन है, नामुमकिन है। सब लोगों का, आप लोगों का, माइनॉरिटी भाई लोगों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, युवा सभी लोगों का, वो लोगों का, सभी लोगों का सहकार, सभी लोगों का आशीर्वाद मिले तो हम कुछ जीत कर आ सकते हैं। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, उत्तर प्रदेश में कैसा चुनाव हो गया आप लोगों को मालूम कराना चाहता हूं। आज चुनाव राजनीति बहुत ही समाधान से आप डिसीजन लेना है। मैं पिछले में मैं जब आया था, मैं जनस्पंदन कार्यक्रम में आप लोगों को मैं विनती किया हूं, ये कभी भी कार्पेटर साहब क्या हो गया, 2 चुनाव में हुमनाबाद में पहली ये बूथ नंबर 1 से चालू होता तो काउंटिंग में 1 नंबर से चालू होता, काउंटिंग 1 नंबर चालू होते ही एक 200-300 वोट या 400 वोट जनता दल को ज्यादा चले जाता,
ज्यादा चले जाते ही वो टीवी में मीडिया में आता हमनाबाद में जनता दल आगे है। ये कब तक बोलते टीवी में? दोपहर 2 बजे तक बोलते हैं। तो हम ये 8 बजे कम्युनिस्ट चार्ट हो गए तो 8:15 बजे ये घाट को गड़बड़ी कुछ विदेश फिर आगे आते कांग्रेस सबसे ऊपर रहता है। लेकिन वो टीवी वाले नहीं बताते जब गढ़वाली फिर रहता कुछ तो आगे पीछे। जब मैं वही मैं नम्र विनती मैं किया हूँ परसों के दिन जो जन स्पंदन कार्यक्रम में मैं आया था। आप ये सोचिए आप लोग ना जात ना पात आज तुम्हारा गांव को कौन अभिवर्धि कर रहे? आज मैं कांग्रेस दड़ा बीजेपी सब अजी तुम्हें गोली मारो लेकिन आज तुम्हारे काम के लिए कौन मिल रहा कौन काम कर रहा? आज तुम्हारे को अनेक समस्या जो भी है आप ईमानदारी से जो हम अल्लाह मियां के पास एक दिन जाना है मेरे को भी अगर कुछ झूठ बोलना है अगर मेरे को भी कुछ गलत काम करना है मैं भी एक दिन भगवान के पास जाकर हिसाब देना है। फिर आप लोग भी जाना है क्या मैं अकेला नहीं सब लोगों को जाना है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ जो लोग अच्छा काम करते हैं वो आदमी को आपका आशीर्वाद करो। आगे आने वाले दिनों में आपको अभी आज मैं देखा मैं आने का कुछ लोग बोल रहे थे जो हम दरगाह से बाहर आ रहे साहब यहाँ पर सब थोड़ा वेटिंग होना बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं थोड़ा अच्छा। मेरा भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या बोलो तो ये गढ़वाड़ी ऐसा एक प्रसिद्ध क्षेत्र है ये खाली ये भगवान को खाली माइनॉरिटी मुस्लिम लोग ही नहीं चलते बहुत सारे लोग इसमें हिंदू मुस्लिम हर कास्ट के लोग ये यहाँ पर आकर दर्शन लेकर पवित्र होते। तो यहाँ पर एक गढ़वाड़ी एक मॉडर्न विलेज बनाना ये जो आप नदी है मैं प्रकाश पांडे के साथ राजकुमार पांडे के साथ हमारे काले के साथ मैं सबके साथ मैं बात किया यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अगर कोई आंध्रा तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक से भी कोई लोग आए वो लोग पूछना है का एमएलए कौन है क्यों बोले तो कितना सुंदर काम किया। लेकिन अब तो रोड का जो आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट से 1 करोड़ रुपए का सभी काम अभी हो गया। अभी मेन काम जो यहाँ पर लाइटिंग तो जो वहां पर नाला है उसको सुंदर से रात में अगर कोई देखे तो पूरा लाइटिंग कारंजिया जो जो बनाना है कुछ मेरा भी कुछ कॉन्सेप्ट है। देखेंगे वो इस्माइल खादरी जी का दर्शन मेरे ऊपर हो गया तो आगे आने वाले दिनों में 2018 का चुनाव अभी बहुत ही स्थिति में अभी 1-2 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। अभी तक तो अल्लाह मियां का आशीर्वाद आप लोगों का सहकार 2008 में ये डी एलिमिनेशन होने के बाद मुझे 22,000 वोट से मेरे को जिताए थे। उसके बाद 2013 में करीब 25,000 से 26,000 वोट से मुझे जिताए थे। लेकिन उसके साथ कुछ यहाँ पर ये व्हाट्सएप ये क्या बोलते फेसबुक ये टीवी उसमें लोग हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत परेशानी बोल रहे हैं। आज मेरे साथ राजकुमार पाटिल जी आए थे बहुत सारे घाट बोल के लोग साहब आज टीवी में आए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जा रहे थे आप जा रहे तो हम भी जाएंगे लेकिन आपका निर्णय क्या है? ये मैं बोला अगर मैं निर्णय लेना रहे तो भी मेरे कार्यकर्ता लोगों को मेरे पार्टी के लीडर को मैं सबको सबके साथ समझौता कर सबको पूछ कर मैं करना पड़ता निर्णय। मैं अकेला ऐसा आया वैसा गया ये घर छोड़ा वो घर जाने को क्या ये क्या जोक है? ऐसा कभी नहीं हो जाएगा। ये कुछ लोग ये तो रहता जो मुख्यमंत्री के साथ मेरा थोड़ा वागवाद हो गया जो हमारे उत्तरी मंत्री जी है ईश्वर जी खंडे के साथ हो गया तो उस टाइम को माध्यम के मित्र थे ये उन्होंने बताया राजशेखर पाटिल ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बुला रहे मुझे आप आना है आपका लीडरशिप में हम चुनाव करेंगे लेकिन आप आओ। लेकिन मेरा इच्छा नहीं है मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। आज मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जो भी मेरा कार्यकर्ता आज कुछ लोगों को हमारे पार्टी में लोगों को कुछ किए है अगर राजशेखर पाटिल उधर गए तो हम जाएंगे उधर बोलकर। मैं ऐसा नहीं कभी नहीं जाता मैं जाना करे तो भी उधर भी किसी को बिठा कर जाता हूँ। क्या जी कह रहे जी कह रहे कह गया नहीं
किधर जाने का तो कोई यही नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूं। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नेतृत्व में कर्नाटक में सम्मान सिद्धरामय्या जी का नेतृत्व में आज डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, जी परमेश्वर जी है, बहुत लोग आज कांग्रेस के लिए आज 5 साल कर्नाटक में जो कांग्रेस आज विशेषकर माइनॉरिटी लोगों को आज शेड्यूल कास्ट लोगों को शेड्यूल ट्राइब लोगों को जो हमारा सरकार जो प्रोग्राम किए आप लोग सोचे कोई एक कार्यक्रम ना भारतीय जनता पार्टी किया और जनता पार्टी जनता दल किया। आज देखिए आज हर योजना में माइनॉरिटी लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए बहुत सारे योजना आज कहां पर इतने 29 स्टेट में देश में अगर हो गया तो खाली वो एक ही स्टेट है कर्नाटका। आप देख ले भाई बोला कोई जरूरी नहीं आजकल क्या है सेकंड में मालूम होता। मैं वहां पर चीफ मिनिस्टर के साथ झगड़ा कर 2 मिनट मैं बाहर नहीं आया, टीवी के ऊपर फोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर मैं खुद परेशान हो गया। अभी तो सीएम के साथ झगड़ा किया, वो ऑनलाइन टीवी में आने को शुरू कर गए राजशेखर पाटिल मुख्यमंत्री के साथ वाद विवाद। अरे भाई एक घर में रहने के बाद एक का पैर एक को लगता है। हमारे मुख्यमंत्री जी है और जिला उस्तुवारी सचिव जी हमारा उस्तुवारी मंत्री जी है, एक एक लड़ना लड़ाई करना, एक घर में अगर 4 भाई रहे तो लड़ाई नहीं होता है उसमें क्या है, हम लड़ना पड़ता कभी झगड़ना पड़ता ये तो होते रहता, लेकिन कुछ लोग उसको वही समझ कर अभी ये मालूम नहीं आज अमित शाह जी हुमनाबाद क्यों आ रहे हैं, आज अमित शाह जी वीरभद्र से टेम्पल क्या आ रहे बोले तो आज राजशेखर पाटिल वहां पर जाकर ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसलिए अमित शाह जी हुमनाबाद वीरभद्र से टेम्पल को आ रहे हैं। मैं सुबह उठते हुए बहुत सारे लोग मेरे घर को आए साहब ऐसा बोल रहे इसलिए तो बुलाए गए थे, मैं बोला नहीं भाई मेरा कुछ भी नहीं, तो आप उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका पार्टी का कार्यक्रम है, बीदर डिस्ट्रिक्ट है, गुलबर्गा है, बसव कल्याण है, उन्होंने अध्यक्ष जी सब तरफ जा रहे मेरा कुछ नहीं बोलकर मैं लोगों को समझाना पड़ा। तो इसलिए आज जो यूथ कांग्रेस के ऑफिस जो भी हमारे डॉक्टर सिद्धू पाटिल जी है और हमारे अभिषेक पाटिल जी है, हमारे यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे उमेश जमगी जी है, जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी संदीप जी है, आज सभी लोग मिलकर और यहाँ पर भटवाड़ी के जो यूथ के सभी लोग है आज खाली ये ऑफिस इनॉग्रेशन के लिए इतने के लिए सीमित नहीं रहना मेरे भाई, मैं आपको हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ ये जोश आपका जोश मई 5 तारीख मई 10 तारीख तक ऐसे रहना है, हम क्या करना है हम कर दिखाना है। आज तुम खाली घड़वाड़ी में नहीं आज पूरा इस्लामाबाद क्षेत्र में आज एक यूथ का आज आप लोग सब मिलकर अच्छा से आप काम करिए और जो भी मेरा आप लोगों को खिदमत करना है मैं आपके साथ हूँ और कभी आपको छोड़कर मैं कौन सा काम नहीं करूंगा और आपका सभी कभी भी रहने दो आपका सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज यहाँ पर बुलाकर क्या हो तो मुझे हुमनाबाद में और एक 2 प्रोग्राम है क्या हो तो अभी आपको मालूम है 4-8 दिन में नीति संहिता जारी हो जाता जब गवर्नमेंट फंक्शन हम नहीं कर सकते, इसलिए कल चुड़कुप्पा तालुका का भी मैं फंक्शन कर रहा हूँ शाम को। सुबह से मेरा लैंड आर्मी का एक ऑफिस फाउंडेशन स्टोन है, TAPCMS शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन है, बहुत सारे फंक्शन में कल भी रख लिया हूँ आज भी है। आज जो हैदराबाद से गेस्ट आए आज मैं उनको भी मेरे तरफ से इस्लामाबाद से MLA होते हुए आज आप लोगों को मेरे तरफ से मैं अभिनंदन देता हूँ और आपका भी सहकार रहने दो, आपका भी ये लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन रहने दो। आज मैं यही इच्छा करता हूँ इनसे अल्लाह आप लोग जब चुनाव आएगा लीड आएगा और जब जिस दिन रिजल्ट आएगा जब घटवाड़ी का मैं सुनूंगा साहब राजशेखर पाटिल के लिए 200 तो लीड है तो मेरा दिल को ये सब तसल्ली रहेगी। तुम राहुल गांधी के एक तरफ फोटो, राजशेखर पाटिल के एक तरफ फोटो, अभिषेक पाटिल के एक तरफ फोटो, यहाँ पर स्टेज में हैदराबाद से गेस्ट आकर कुछ भी फायदा नहीं हो जाएगा। फायदा जब हो जाएगा जब ईमानदारी से हम कर कांग्रेस पार्टी के लिए राजशेखर पाटिल के लिए हम इतना वोट हम लीड लिए और तुम हाथ पकड़कर काम लेने का आपके ऊपर है।
पिछले में डॉक्टर प्रकाश पाटिल जिला पंचायत से चुनाव को ठहरे, कह रहे कभी घाटपुर है, गड़बड़ी है, मेरा चुनाव है, किनके भी चुनाव है, कभी ज्यादा रहता कभी कम रहता, कभी कम रहता, कभी मेरे को कम गिरा होकर मैं काम करने में कोई कम नहीं किया। आप बोलिए घड़वाड़ी के लोग, कोई भी लोग बोलिए, आप मैं आने से पहले आपका गांव का हालत क्या था, आज का पानी का आपको कितना मुसीबत था, आज का रोड का हालत क्या है। आज हमनाबाद छोड़े तो 15 मिनट में तुम घड़वाड़ी को आते, पिछले में मैं भी देखता था हमनाबाद छोड़े तो घड़वाड़ी को कितना टाइम लगता था भैया, एक घंटा, फिर 15 मिनट होना क्या एक घंटे वाले होना, आप सोचिए। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ, बहुत सारे मैं काम किया, मैं काम कर रहा बोल तो किसी का मेहरबानी के लिए नहीं, मेरा फर्ज है। मेरे को तुम बेंगलुरु को भेजे विधानसभा में बैठने के लिए, ये मैं जाना नहीं तो आप लोग बैलेट के ऊपर मेरे को सिक्का मारे, तो मेरे को भेजे, मैं वहां पर तुम्हारा काम कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग कभी भी हमारे साथ रह जाओ, पिछले भी है, आगे भी रहेंगे, और मैं भी आपके साथ रहूंगा, और जो भी आपके लोगों का खिदमत करने का मौका मुझे मिलता बिल्कुल आपका खिदमत करूंगा, बिल्कुल आपके साथ मैं रहूंगा। मेरे चार शब्द बोलते हुए मैं चार शब्द मत करता हूँ, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज शकर डी पाटिल एमएलए लाइन आर्मी चेयरमैन कर्नाटक से, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में जो अपना कीमती टाइम देकर हमारे कार्यक्रम को सक्सेस किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर भाई रमदानी का सम्मान हाथ निकालो, राज शकर पाटिल कर रहे हैं, सभी भाइयों से गुजारिश की जाती है कि गड़बड़ी ना करें। उपाध्यक्ष जी पहले कल मे को सब मिलकर अच्छा काम करो, आओ हार इधर ही डालो आप ही नहीं। अरे हम उनको पिलाना, उन्होंने आए वहाँ से गेस्ट, इधर लाओ, हैदराबाद से, हैदराबाद से, फिर उनको बोलना हम खाजा भाई, भाई तुम जाओ नहीं, एक मिनट इधर लो मैं पिलाता हूँ, बाबा भाई इधर लो, सत्तार भाई आओ जी पीछे, सत्तार भाई इधर इधर, आप लोगों को कर रहे हैं, हमको यहाँ पर रहने वाले हैदराबाद के आए हुए भाइयों की दिलखुशी श्री राज शकर भी पार्टी कर रहे हैं, इधर लो सत्तार भाई इधर सर, तुम घर जाओ फोटो ले लेंगे, यस सर सेट को जो सर आप एक ग्रुप ग्रुप ये ग्रुप खा जाओ फोटो ले लेंगे, हाँ ग्रुप फोटो ऐसे, हाँ ये कर पीछे खड़ा जी आपका भाई सर उन्हें आटा नेक्स्ट लक्ष्मण साहब आसमान हिमेश साहब को देखो बोला था एक बना बंद बना बंद इंतजार करें हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारे प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं, चलो अपना कीमती टाइम देकर हमारे प्रोग्राम को जाना भाई भाई अब यहाँ पर हैदराबाद से आए हुए सैयद करीम साहब कुछ अपने तकलीफ सुनाना चाहते हैं, इनसे गुजारिश करते हैं कि आकर हेलो हाँ नमस्कार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاہ نشین پر تشریف فرما کانگریس کے اعلیٰ قائدین و شرکائے جلسہ پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کے جلسے کے منعقد کرنے کا مقصد
हल्के हाजा में नौजवानों ने बड़े पैमाने पर पुरजोश अंदाज में यूथ कांग्रेस के ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। हल्के हाजा के लेजिस्लेटर की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, आज जबकि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी हुकूमत आए जब से पूरे हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। हम अपने हकूक से महरूम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आज हमको अगर हिंदुस्तान में जीना है तो हर फर्द को सियासी शऊर का रखना बेहद जरूरी है। आज हम ये तमाम हिंदुस्तान के हालात और कम्युनलिज्म, खतल गारतगिरी, इनकाउंटर्स, घोटाले वगैरह देखकर ख्वाजा बिलाल अहमद साहब, साबिका कारपोरेटर MIM रेन बाजार, आपकी गुजारिश पर, आपके रिक्वेस्ट पर हम तमाम इकट्ठा होकर, मैं कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेटर हैदराबाद का सदर था, मैं पिछले 15 साल से मैं कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहा था, आपके कहने पर सेक्युलर जमात का, एक सेक्युलर जमात का साथ देने के लिए, राहुल गांधी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आज हम ये इरादा करे हैं कि हिंदुस्तान के एक किसी कम्युनिटी का मसला नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर कम्युनिटी के लिए हम ताकतवर बनेंगे और राहुल गांधी साहब को ताकतवर बनाएंगे और हिंदुस्तान की मयूर आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए हम हिंदुस्तान हैदराबाद तेलंगाना नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आवाम के मसाइल को अहदेदारों के दरमियान रखेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, बीजेपी हुकूमत के कंधे कुचलेंगे और कम्युनलिज्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए राहुल गांधी साहब को ताकतवर बनाएंगे। इस तरह जिस तरह के आज जुल्म सहे ख्वाजा बिलाल साहब याकूतपुरे में और गौस साहब चारमीनार पे, हमारे सत्तार साहब बाबा नगर में इस हद तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में काम करने का नतीजा उनको जो मिला, कभी जेल की सोबत नसीब हुई तो कभी जो है रौडियों से धमकाया गया, डराया गया, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं वक्फियत रखता हूँ ख्वाजा बिलाल साहब और उनके साथियों को, मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि वो मर्द मुजाहिद है। किसी भी जो है पुलिस ऑफिशियल से डरे बगैर, किसी गुंडा अनासर से डरे बगैर, किसी रॉडिज्म से डरे बगैर आज हक बजानी बात करने के लिए मजदूर मुसलमानों के मसाइल के लिए और उनके तरक्याती कामों के लिए आगे बढ़ने और उनकी फिक्र को लेकर तरक्या दिलाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन किए हैं, आप तमाम हजरात की जो फिक्र लेकर आज कांग्रेस पार्टी में हैं, आज आपके दरमियान ठहरे हैं, तो आप तमाम का भी फर्ज ये बनता है कि ऐसे नौजवानों को जो है पुरजोश अंदाज में आप जो है अप्रिशिएट करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। और मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि बाजारों में वक्त गुजारने के बजाय, होटल्स में वक्त गुजारने के बजाय अपने कैरियर की, अपने ईमान की, अपने मजहब की, अपने मसाइल की फिक्र करते हुए आप जो है कांग्रेस पार्टी और सियासत, बिलखसूस ख्वाजा बिलाल साहब और साहब सत्तर साहब जैसी शख्सियात से जुड़ जाएं, इंशाल्लाह आपके तालीमी, माशी और समाजी मसाइल बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। मैं वक्त की तंगी है कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा है, इंशाल्लाह आपके हलके में दोबारा आते रहेंगे और जो है मसाइल पे बात करते रहेंगे और हुकूमतों का गिरेबान पकड़कर मसाइल हल करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पकड़कर इसी तरह मोहम्मद गौस भाई कॉर्पोरेटर कुछ अपना यहाँ पर नसीहत सुनाना चाहते हैं हमें, जैसे गुजारिश करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। डैश पे बैठे हुए मैं फर्दर फर्दर किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे बुजुर्ग और मेरे कांग्रेस के साथियों और हैदराबाद से आए हुए मेरे दोस्त साथी कारपोरेटर्स और हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल आलमीन के
देखो इस जगह से बहुत बड़ा एजाज हासिल है। आज मैं उनके सदके से अल्लाह अल्लाह के रसूल हज़रत इस्माइल शाह ख़ादरी रहमत आलमीन की सरजमी से, जिसे मिले साहब ने कहा था अभी कि कर्नाटक हुन्नाबाद बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे कायद जो राहुल गांधी जी हैं, आपने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यशुदराज रहमत आलमीन से अपना आगाज किया। इंशाअल्लाह सारी कौमों से मेरे को यकीन है, सारी कौमों से, मैं कांग्रेस किसी एक कौम की जमात नहीं है, मेरे को सारी कौमों से और सरकार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद इस दखन के कर्नाटक की सरजमी से कर्नाटक के इलेक्शन का आगाज मेरे कायद ने गुलबर्गा से किया। यकीनन हमको उम्मीद है गुज़िश्ता सौ सौ सालों की तारीख गवाह है कि आपके कदम बोसी से फकीरों को बादशाहत नवाजी गई है, ये हमारा ईमान है। और आज हमारा भी यही मकसद था कि घरवाली से हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमत आलमीन से और हमारी, और मैं आपको इत्तला में लाना चाह रहा हूं कि कर्नाटक से बीदर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूं मैं। इंशाल्लाह आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरी भी यही अदम था कि हम चालू करें और हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमत आलमीन की दरगाह से, आपकी ज़ियारत से, आपकी कदम बोशी से कर्नाटक के अंदर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपने एमएलए साहब ने कहा अभी कि पहले उस बात से आता हूं कि खास तौर पे आप ही के हलके के एमएलए साहब की बात से आता हूं और सारे दलित एसटीस सारी कौमों के लिंगायत सब कौमों की तरफ से मैं आपको यहां से वोट नंबर बूथ नंबर वन से गारंटी दिला रहा हूं कि अगर इस हलके के अंदर 1000 वोट है, इस बूथ के अंदर अगर 1000 वोट है, तो अगर आप ये बात इस खादिम की हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैहिं की खादिम की ये ज़बान लेना, जब भी बूथ नंबर वन खुलेगा इंशाअल्लाह दूसरा कैंडिडेट का वोट नहीं रहेगा। और मैं खास तौर पे खुसूसी यूथ का ऑफिस है ये, मगर बुजुर्गों से मेरी अदबन गुजारिश है, जो माहौल है थोड़ा माहौल की तरफ आता हूं। हिंदुस्तान के अंदर किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है कि आज क्या हालात है। आज मैं मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन छोड़ने की क्या वजह थी मैंने बहुत बार बोला और बहुत लोग जानते भी हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी से ही हमारा संघ परिवार आरएसएस बजरंग दल हिंदू विश्व परिषद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रोकना पड़ेगा और सारी कौमों को एक जगह लेकर हिंदुस्तान को आने वाले इंतखाबात के अंदर सबसे बड़ा इंतखाबात आपका यहीं से होगा। कर्नाटक की आवाम फैसला करेगी और एक रास्ता देगी सारे हिंदुस्तान को, एक रास्ता देगी सारे हिंदुस्तान को कि हमारी यूनाइटेड सारी कौमों की, पटेलों की, लिंगायतों की, दलितों की, मुसलमानों की तमाम का गुलदस्ता आज देखिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं जिस जगह से इंचार्ज हूं, आज भारतीय जनता पार्टी को जिनके पास यहां पर 6 सीट है, 6 में से 2 बीजेपी के पास है, 1 इंडिपेंडेंट के पास है और 3 कांग्रेस के पास है। हमने राहुल जी को वादा किया है इंशाल्लाह ये टाइम के ऊपर 5 सीट कभी निकाल के देंगे इस दिन। और सब जानते हैं मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नामो निशान नहीं था, मैंने और बिलाल ने 18 महीने की अपनी कोशिशों के तहत
कि उनके बीदर के अंदर और आपके पाजी पसपा कल्याण के अंदर तीन तीन कार्पोरेटर मैंने मुन्नाबाद काम किया हूँ, संगारेड्डी सदाती पेट जहीराबाद, जहाँ पर खाता नहीं खुला था वहां से खाता खोल के दिया, और काम कैसे कहते हैं, कैंपेनिंग किसको कहते हैं, वोट कैसे लिया जाता है, ये सारे चीजें जब हमने काम किया। अब आपको और एक बात बताना चाह रहा हूँ, देश के हालात क्या है, नौजवान के सामने क्या क्या मसाइल हैं। जब हम रिपोर्ट देख रहे थे कि डेवलपमेंट के बारे में अगर रिपोर्ट देख रहे थे, बेरोजगारी के बारे में अगर रिपोर्ट देख रहे थे, एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट देख रहे थे, तो हिंदुस्तान के 29 स्टेट के अंदर सबसे बुलंदी के ऊपर कर्नाटक था। एक मजबूत क़यादत जो आपके पास चीफ मिनिस्टर है, आपके मजबूत एमएलए हैं, जो पब्लिक के बीच के अंदर एजुकेशन के बारे में, औरतों के बारे में, किसानों के बारे में, दलितों के बारे में, सबके सबके लोग के लिए काम किया। इसलिए एक फेथ, आज सारे सर्वे कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस क्या पजिंदा फैल सकती, कहो दिल से फिर एक बार कांग्रेस फिर से सारे हिंदुस्तान में नारा आ रहा है। एक तोहफा हजरत खाजा गरीब नवाज, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को, जब देखें चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा था, गुजरात के बाद भी ऐसा लगने लगा कि कुछ हुआ है, मगर अभी बहुत कुछ बाकी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने खाजा गरीब नवाज ने कहा कि मायूस मत हो, हमने अजमेर से दो पार्लियामेंट्री मेंबर अल्लाह ने कांग्रेस को दिलाया। वो बेरोजगारी जो वो 15 लाख के वादे, औरतों के हाथ में, मुसलमान के हाथ, मुसलमान मेरी बहनों के हाथ में, पार्लियामेंट में पीएम ने कहा, बता दो आज इस मजमे से किसी भी मेरी बहन को हम एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। आप बता दीजिए किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से किसी मेरी बहन को कंप्यूटर मिला है क्या? किसने रोका? मांगा आपने कि 272 सीट से चाहिए हमें, मगर सारे कौमों के नौजवानों ने, दलितों ने, सब में 200-324 तक दे दिया। आपने वादा किया कि हम 15 लाख देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, एजुकेशन के बारे के अंदर बड़ी बड़ी मुतफातें की, मुतफन आप आखिरी में सारे बच्चे लोग पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाई तालीम दे रहे हैं। जब तालीम के मायदा देना हुकूमत को आया तो पीएम ने कहा कि पकौड़े भी लेना मतलब बेचा जा सकता है। एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़कर जॉब के लिए पकौड़े तलने के लिए भी, ऐसा दुनिया के अंदर बाप ने 70 साल के अंदर ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमने देखा नहीं। तो आपको तमाम हालात मालूम है, खुसूसी मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं आज इस सरकार हजरत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहिन के दरबार में ठहर कर आपको इत्तेहाद को, कल आपके पास एक टोपी रहेगी, बड़ी सी शेरवानी रहेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होंगी, हदीस बयान की जाएगी, कुरान की दलीलें देंगे, उधर भी गेरू कलर के कपड़े डालकर गीता की बाइबिल की तमाम चीजों की दुआई देने के लिए आ जाएंगे। आपको उनसे खबरदार रहने की जरूरत है, देश के हालात इस तरीके के नहीं है। मैं बहुत कुछ है बोलने के लिए, अभी आगाज है ये, हम भी हमारे दिल में यही था कि हजरत इस्माइल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहिन से हमारी भी कैंपेनिंग का, मैंने 19 दिन बिदर डिस्ट्रिक्ट में काम किया, और जब हम नांदेड़ के अंदर अशोक राव चौहान जी हमको बुलाए कि ये मजलिस पार्टी का इलाज क्या है, मैं बोला इसका इलाज हैदराबाद में है सर, ठीक है हैदराबाद में ओके राइट,
बुलाइए खाजा बिलाल को, बुलाइए दफ्तार को, बुलाइए शब्बीर अली साहब को, ऐसा इलाज करे, ऐसा इलाज करे बीजेपी का सफाया, शिवसेना का सफाया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सफाया। बयासी सीटों के अंदर 78 सीट्स किसको बोले आप, कैसी मेजोरिटी? जो बिखरे बिखरे गुलदस्ता था, जो तस्वीर थी हमारी बिखरी बिखरी, सबको एक जगह किया। हैदराबाद से 300 किलोमीटर तक मैं यहां वादे करूंगा, कुछ बोलूंगा, भड़का दूंगा, मेरे नौजवान भटक जाएंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा देंगे, किसी हिंदू को मार देंगे, कोई हिंदू मुसलमान को मार देगा, आएगा कब बचाने के लिए यहां पर? हैदराबाद 200 किलोमीटर तक आए तक बस्तियों के बस्तियां राख हो जाएंगे। तो इसको समझने की जरूरत है, जो वोट की ताकत और एमएलए साहब, पार्टी बड़ी होती है, कोई एमएलए बड़ा नहीं होता है। कोई भी किधर जान दो, मैं आज इस स्टेज से बोल रहा हूं, आपको बहकने की जरूरत नहीं है, आज हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। मैं जमात में नहीं हूं, जमात कायम है, मैं कांग्रेस से चले जाऊंगा, जमात कायम रहेगी। दस्तूर बचाना अगर है, हिंदुस्तान को बंटवारे से बचाना अगर है, हिंदुस्तान की हमारे आप और पाप की निशानियां बचाना अगर है, तो उस गुलदस्ते को वोट दीजिए जिस हाथ के अंदर सारे कलर के फूल हो, उस गुलदस्ते के अंदर बहुत आएंगे। इससे पहले मैं हर एमपी साहब को, इससे पहले के एमएलए साहब को सबको जानता हूं, आए जाएंगे। मैं आज मजलिस में था, आज कांग्रेस में हूं। जमात को बाकी रखिए, अपना इत्तेहाद को बाकी रखिए, काम तो होते जाते रहेंगे। ये डेवलपमेंट का काम है, ये नालियां, मोरी, पानी, तमाम चीज आता जाता जाएगा। जब आपकी निशानियां मिट जाएंगी तो वो वापिस नहीं आएगा। मैं आज कार्बोरेटर था, कल आज हूं, कल रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं, मेरे को भरोसा है हमारे एमएलए साहब से कि देश का माहौल, आज हम पहले भी बहुत बार आए हैं, हम हर जगह जाकर देख रहे हैं, युद्ध दलित का, इस चीज का, ट्रैवल्स का, औरतों का, तमाम लोगों का, आज यही वो है कि हम सबको एक जगह मिलकर रहना चाहिए। मैं आपको एक वादा आपसे लेना चाह रहा हूं, एमएलए साहब की पहले राउंड की काउंटिंग के अंदर हुन्नाबाद का एमएलए कोई नहीं, अगर 1000 अगर वोट गिरे हैं तो 1000 वोट हमारे एमएलए को पहले उससे मिलना चाहिए, ये वादा लेना चाहिए। अगर एमएलए साहब आज है और या कल ना रहे, मतलब ना भाई, आपका वोट कांग्रेस के साथ होना चाहिए, दलितों का हो, चाहे पाटिलों का हो, किसी का भी हो, सबका वोट है ना, मतलब है ना भाई, कांग्रेस के हाथ होना चाहिए। आज देश का सबसे पहले हमको दस्तूर बताना है, कानून की हिफाजत होगी, कानून रहेगा तो सब कुछ रहेगा, कानून नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। शुक्रिया, खुदाफिज, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मैं इस सरजमीन से मेरे को बोलने का मौका मिला है। अल्लाह मेरी लाज रखे, वोटों की भीख मांग रहा हूँ कांग्रेस के हक में, आपके एमएलए साहब को मैं जबान दे रहा हूँ, आपके अंदर जितने गांव हैं, कितने माइनॉरिटी के दलित के कितने कितने वोट हैं, हम गली गली जाके भीख मांगेंगे, आपके हाथ मजबूत करेंगे और आपको जिता के लाएंगे। आपने पहली दफा 22,000 वोटों से जीता, दूसरी दफा 25,000 26,000 से जीता, इंशाल्लाह हमने जिद से काम किया, 2,000 वोटों से रहीम खान ने हार गया। जब आया तो रहीम खान को 48,000 वोटों से जीत दी अल्लाह ने। हम वादा कर रहे हैं ये साल आप 50,000 की कामयाबी से आगे संभल के जाएंगे, ये हमारा वादा है। सबर कीजिए, बहुत नाइंसाफियां होती हैं,
आज देश का माहौल किस तरीके का है मैं उनको नसीहत नहीं कर सकता हूँ। मेरी गुजारिश है कि आपकी लीडरशिप में आपके एमएलए साहब के साथ हम खांदे को खांदा लगाकर काम करेंगे और वादा कर रहे हैं कि आप 26 शहर जीते हैं इंशाल्लाह ये टाइम के अंदर 51,000 से ये सरकार के सत्ते में जीतेंगे इंशाल्लाह खुदा हो। ये थे साबेखा कारपोरेटर घोष भाई साहब, बड़ी अच्छी बातें और शोला बयानी कर रहे थे। अब मैं नौजवानों की दिल की धड़कन और जो मुखर्रिर का आप तमाम को इंतजार था, शोले बयान मुखर्रिर और हलके रेन बाजार याकूतपुरा के हरदिल अजीज साबिका कारपोरेटर खाजा बिलाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। खाजा बिलाल साहब, माजूरत चाहता हूँ, खाजा बिलाल साहब की बजाय मैं सत्तार साहब को से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देश पे तशरीफ फरमा मोहतरम इज्जत नवाब आली जनाब डॉक्टर प्रकाश साहब, प्रकाश पाटिल साहब और उनके साथियों और मेरे साथ हैदराबाद से इतनी दूर का सफर तय करते हुए मेरे अजीज दोस्त और जिसको मैं बड़ा भाई मानता हूं। पहले तो एक भाई था, बहुत खुश था, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद दो दो भाई मिल चुके। एक सैयद गौस साहब की शक्ल में और एक ख्वाजा बिलाल साहब की शक्ल में और एक मेरा छोटा भाई कलीम भाई की शक्ल में और भाव भाई की शक्ल में, रियाज और अशोक भाई की शक्ल में। मौजूद दोस्तों और बुजुर्गों और पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कुछ ही लम्बा पहले राजशेखर पाटिल साहब ने बहुत सी नसीहतें की और बहुत सी बातें की जिनके अल्फाज माजी में किसी और के पास नहीं मिलते, लेकिन आज फिरका परस्त ताकतें आरएसएस हो या बीजेपी हो, जनता दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, वो यही चाहते हैं कि हम और आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, आपस में लड़े और लड़ते रहे, जिंदगी हमारी इसी तरह खत्म हो जाए। लेकिन राजशेखर पाटिल साहब ने बहुत खूब कहा, जिसको हम हमारे तेलंगाना में एक बात कहते हुए मुखर्री अंदाज में कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर हम और आपका लफ्ज खत्म करेंगे, हम तमाम लोग एक होकर उस कांग्रेस का साथ देंगे जो सेकुलरिज्म जहन रखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दलित तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बिठाती है। आप जरा गौर करिए, वही कांग्रेस है जो आज आप और हमको 200 किलोमीटर दूर से आज इस्माइल शाह साहब खादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस सरजमीन पर लाकर मिलाया। अगर ये जमात ना होती तो काश गौस भाई या बिलाल भाई या सत्तार भाई यहाँ पर ना आते, ना आपसे मुलाकात करते। दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों और यूथ कांग्रेस के मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आने वाले हालात को जरा गौर और फिक्र करिए, अपने जहनों से अपने दिमागों से उस बात को सोचिए। एक शख्स आएगा बड़ी शेरवानी पहनकर, उसका एक भाई आएगा छोटी शेरवानी पहनकर, वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है। आप जरा गौर करिए, हम हिंदुस्तान के अंदर 15% मुसलमान है, 85% हिंदू भाई है। अगर काश हम 15% अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और 85% अगर हिंदू भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो जरा गौर करिए, क्या हम यहाँ के हिंदुस्तान के पीएम बन सकते हैं,
क्या हम सीएम बन सकते हैं? नहीं बन सकते, इसलिए कि हमारा 15% वोट डिवाइड किया जा रहा है। आप जरा गौर करिए, उमराबाद से अगर कोई कांग्रेस से अगर राजशेखर पाटिल की शक्ल में हमारे दरमियान में आता है तो उस शख्स की आड़ में एक और एक शख्स को लाकर ताकि फिरका परस्त ताकतें यहाँ पर आपके ऊपर आ जाए और आपके सर पर आपको जो है फिरका परस्त ताकतें आपको मिटा दे। उस तरीके से एक कैंडिडेट को ठहरा कर वोट काटने का काम करने का काम ये मंडी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। और वो लोग आएंगे अल्लाह और रसूल की बात करेंगे, आपके दरमियान में भीख मांगेंगे, वोट की भीख मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन इस दरगाह की सरजमीन पर रहने वालों से मैं ये वादा लेना चाहता हूँ, आप इस इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह की कसम खाकर कहिए, ना हम उनको वोट देंगे, हम वोट देंगे तो राजशेखर पाटिल साहब को देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। क्योंकि नौजवानों, आज आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स है जो हिंदू को अपनी एक आंख मानता है, मुसलमान को अपनी एक आंख मानता है, आपके तकलीफों को अपनी तकलीफ जानता है, आपकी गुर्बत को अपनी गुर्बत जानता है, आपकी बेरोजगारी को अपनी बेरोजगारी जानता है। उस शख्स को छोड़कर हम 200-300 किलोमीटर से जो आएंगे आपके सामने झूठे झूठे वादे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले गौस भाई ने कहा अगर अल्लाह ना करे आने में देर हो गई तो घरों के घर चल जाएंगे। इसी तरीके से हमको चाहिए कि हमको उस मुकामी आदमी को वोट देना चाहिए जो आपकी तकलीफ में, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके दरमियान में रहता है। मैं उस कांग्रेस की तारीफ इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग एक जमात की शक्ल में, कर्नाटक हो या बिहार, तो हम तो नहीं गए, कर्नाटक, गुलबर्गा, बिदर, इन तमाम जगहों पर हम इंशाअल्लाह गली गली फिरेंगे और हमारी माओ बहनों से भीख मांगेंगे, उनके पेट में मुंडी डालेंगे, हो सका तो उनके घर में हम काम करेंगे। हम बेरोजगारी को बताएंगे कि आज हमारे नौजवान कितने बेरोजगार है। हमको तालीम चाहिए, हमको रोजगारी चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हम इनको हमारा हक छीन कर लेंगे। ना हम ये आरएसएस और बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इनके सामने हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम हमारा हक लेंगे। मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे अगर आएगा और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेगा तो इंशाअल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन कर्नाटक में जो होगा, जहां कहीं से भी कोई भी अगर नॉमिनेशन डालेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जमानत सब करा देंगे और कांग्रेस को जिता कर रहेंगे। ये हमारा वादा है। और अभी थोड़ी देर पहले एक अल्फाज गौस भाई ने कहा था, पलट कर मुझसे पूछा, बोलो वो नारा क्या है? वो नारा ये है, मैं आप लोगों को वो बात बोलना चाहता हूँ, मेरे अल्फाज में अल्फाज मिलाइए, मैं एक लफ्ज कहता हूँ, कहो दिल से, आप लोग बुलंद आवाज में बोलिए कि कांग्रेस फिर से, कहो दिल से, कहो दिल से। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस घरवाड़ी शरीफ को एक मुबारकबाद देना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल गई बात। मैं शेख मेहताब, डॉक्टर शेख मेहताब साहब को यहाँ पर बुलाना चाह रहा हूँ और एक मिसाल भी, एक हिंदुस्तान में एक बेहतरीन मिसाल भी पेश करना चाहता हूँ। आइए, ये डॉक्टर शेख मेहताब साहब हैं। अब देखिए, सोचने वाली बात है, इनके वालिद यहाँ पर फूल वगैरह वो बेचते हैं। कांग्रेस ने क्या दिया और आपने क्या बात कर क्या दिया? मतलब आपने बोला था बेरोजगार देंगे, रोजगार देंगे, एजुकेशन देंगे, तमाम चीज देंगे, और जिस बच्चों ने इतनी मेहनत करके तीन चार साल में इंजीनियर बन गए उनको पकौड़ा दे दिया हाथ में। और ये 5 साल की कांग्रेस की ये है कि काके स्टेट को आपके तक घरवाड़ी शरीफ के उसको एक डॉक्टर दिया है। ये है सोच
सोच का बदलाव होना जरूरी है, अल्फाज का नहीं, खाली जबान का नहीं। जबान से कुछ भी बोल दिया जाए, बाद में पकौड़ा हाथ में दे दिया जाए। जिस बच्चे का बाप जिलप भी चलता है, जिस बच्चे का बाप फूल बेचता है, जिस बच्चे का बाप दरगाह की धतिया बेचता है, और कांग्रेस ने उसी रिजर्वेशन के साथ इस बच्चे को डॉक्टर बनाया है। इसी 5 साल में एक विजन होना चाहिए। मेरे ख्याज के पास एक विजन है, एक नौजवान मेरे राहुल गांधी के पास एक विजन है। इस बच्चे के दो अल्फाज कुछ कहना चाह रहा है, आप सुन लीजिए। आपको जानने के मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस क्या है। 1757 से लेकर 1947 तक जिस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, 1757 से लेकर 1947 तक, और 1880 में कांग्रेस वजूद में आया, और कांग्रेस का जो मकसद था डब्ल्यू सी हुम ने उसको पैदा किया, क्योंकि हिंदुस्तान में जब जो अंग्रेज ने इस पर हुकूमत जमाई थी कि उसका मकसद अलग था, मगर हमारे उलमाए किराम ने और बुजुर्गाने दीन ने उसमें जाकर कांग्रेस के आइडियाज को बदला दिया कि इस हिंदुस्तान को जरूरत है, कि आज आजादी की जरूरत है। और 1947 में आकर हिंदुस्तान में आजाद हुआ, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे जो बुजुर्गाने दीन है उसके अंदर एक कांग्रेस के अंदर जज्बा दिया, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद है। यूपीएससी आप जो कुछ भी लिखिए, जितना भी आप उर्दू आज पढ़ रहे हैं आप, वो देन जो वो देन मौलाना आजाद की है। आज अगर पूरा आंध्र प्रदेश में उर्दू था, उस्मानी यूनिवर्सिटी उर्दू में थी, पूरे चीज को बदलकर उन्होंने इंग्लिश अंग्रेजी इसमें सब कुछ कर दिया, मगर मौलाना आजाद ने उसको बरकरार रखने के लिए उर्दू में सब हर जगह उर्दू मीडियम के स्कूल पैदा किए, वो कांग्रेस की देन है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, अब कर्नाटक में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कर्नाटक में है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। आप देखिए तारीख पढ़ के देखिए, आप सबसे ज्यादा कर्नाटक में मेडिकल कॉलेज है, उसी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से मैं हासिल किया हूँ। मुझे खुशी है कि कांग्रेस की देन है। पांच साल के अंदर कुछ नहीं कर सके ये लोग, अब मैं ताखीर किए बगैर आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए ख्वाजा बिलाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ख्वाजा बिलाल साहब, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین کے تشریف فرما، بدر ڈسٹرکٹ کے وائس پریسیڈنٹ پرکاش پاٹل صاحب، اور حیدرآباد سے تشریف لائے میرے ساتھی کارپوریٹر جناب غوث صاحب، اور میرے ساتھی ستار بھائی صاحب، میرے دوست کلیم صاحب، اور میں اس گڑھوال شریف کی عوام کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ کے اس حلقے کے اندر ایک
यूथ ऑफिस का इनॉग्रेशन कर आप लोगों ने इस बात को साबित किया कि आज जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से फिरका परस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, देखिए हकीकतन तो ये बात है कि अगर हम हमारे वोट की अहमियत ना समझे, अगर हम सिर्फ इतना ही समझे कि अगर हम कोई छोटी सियासी जमात को अगर हम अपना वोट डालते हैं तो दरअसल वो वोट हमारा उनके जिताने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस की शिकस्त के लिए उस वोट का इस्तेमाल होता है। मेरी मुराद अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इसी शहर के अंदर जब इंतखाबात हुए हैं तो इंतखाबात के अंदर जनता दल सेकुलर पार्टी का एक उम्मीदवार आपके दरमियान में आया था, वो लोग आपके दरमियान में आए, आप बताइए आप लोगों ने उनको वोटों से नवाजा लेकिन आपके वोट किधर गए? आपके वोटों का मतलब क्या रहा? आपके वोटों का मतलब सिर्फ इतना ही रहा कि वो लोग कुछ मुसलमानों के और कुछ दूसरे मजहब के रहने वाले ताल्लुक रखने वाले लोगों के वोटों को इस्तेमाल किया और उन्होंने कोशिश की थी कि यहां पर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से एक हवा बनी रही, आप देखें जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते गए और उन्होंने इस बात का भी बता दिया कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बन गया। आप लोग जनता दल समझकर काम करते रहे, कुछ लोग कांग्रेस की मुखालिफत समझ के काम करते रहे लेकिन महाराष्ट्र के अंदर देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठ गया और आज फिर से वही एक मंसूबा बनाकर फिर वही एक कोशिश बनाकर आज हुमनाबाद के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लाते हैं और यहाँ पर हुमनाबाद के अंदर वो चेक जलसा करते हैं तो आप बताइए आज क्या बात? ये वो अमित शाह रहा जो गुजरात के दंगों के अंदर सरबुलंदी के लिए इसका नाम लिया जाता था, गुजरात के फसादों के अंदर 3,500 हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के कत्ल का जिम्मेदार ये वही भारतीय जनता पार्टी और ये वही अमित शाह रहा। आज आपके हलकों के अंदर ये लोग आ रहे हैं, इनका मंसूबा सिर्फ ये है कि हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे कर ले और मुसलमानों को किसी अलग सियासी जमात से जोड़ दे, चाहे वो सियासी जमात जनता दल के नाम से हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से हो। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों इस वक्त हमको सोचने की जरूरत है, अगर हमको इस वक्त आपको अगर कर्नाटक के अंदर इंतखाबात होंगे इलेक्शन होगा तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आप किसी एक शख्सियत को किसी राष्ट्रीयकर पाटिल साहब को आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप किसी एक सेकुलर जहन रखने वाली सियासी जमात को वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन आपका वोट इस भारतीय जनता पार्टी के शिकस्त के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा और इसी वजह से हमको कांग्रेस पार्टी का साथ देना होगा। अब की बार जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं भी इसमें भूल जाऊंगा लेकिन मैं हमारे खादर साहब को और उनके भाई रमजान साहब को मैं मुबारकबादी देता हूं कि आप लोगों ने ऐसी मुकद्दस जगह पर आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये आपके पास जो एक बारगाह है, आपके पास कर्नाटक के अंदर एक ऐसा रोशन चिराग आपके पास से जल रहा है कि ये रोशन चिराग पूरे कर्नाटक की आबो हवा को बदल के रख देगा। अरे मेरी मुराद सैयद इस्माइल शाह खाजरी नक्शबंदी से मेरी मुराद है। अरे हमने देखा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वलियों की चौखटों पर बादशाहों के तख्त होते हैं। अरे तुम भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारा जो मंसूबा है जनता दल सेकुलर, तुम्हारा जो मंसूबा है या तुम जो कोशिश में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से कामयाब करने के लिए, यकीनन यहाँ पे ऐसे बलिया इस सरजमी के अंदर आराम फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारे मंसूबों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। बस मेरी यही इल्तिजा है आपसे कि आप अपने वोटों की अहमियत को पहचानिए। आपको जरूरत है कि इस वक्त
हमको एक शैतान से मुकाबला करना है और वो शैतान किसी आपके कर्नाटक में नहीं बैठा, वो शैतान कहीं आपके हैदराबाद में नहीं बैठा, वो शैतान दिल्ली में जाकर बैठा है। उस दिल्ली के शैतान को शिकस्त देने के लिए आपको फिर से कांग्रेस पार्टी को वोट देना होगा। हमारे वोटों की तकसीमी किसी एक शख्सियत के, यानी मान लीजिएगा कि जो लोग छोटी जमातों के नाम से आपके दरमियान में आ रहे हैं, वो जमात का नाम मैं अभी तकरीर करने से पहले मैं कह रहा था कि मैं खुल के कहूंगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुक के बोलो। अरे मैं बोला मैं हैदराबाद से हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैं उस खायद के हाथ पर कांग्रेस पार्टी को शमूलियत किया, मैं उसका तो क्या उसके बाप का भी नाम बोलूंगा यहाँ पर। ये जनता दल सेकुलर, असल ये जनता दल सेकुलर नहीं, ये जनता दल कम्युनल के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि इनके दौरे इक्तदार के अंदर आप बताइए कितने लोगों पर जुल्म सितम करते गए, लेकिन कभी हमारे दरमियान में कोई आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोगों ने इस एक ऐसी सियासी पार्टी का आप लोगों ने साथ दिया, और अभी इंतखाबात का ऐलान होगा तो इलेक्शन के अंदर हम लोग आपके दरमियान में आएंगे, और कुछ लोग आपको मुसलमानों के इत्तेहाद के नाम से भी आपके दरमियान में आएंगे। वो लोग मुसलमान जरूर रहेंगे, वो लोग चेहरे पे दाढ़ी जरूर रखेंगे, लेकिन उनका मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कामयाब कराना है, जैसे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कामयाब करवाया, वैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कामयाब करवाया, तो अब उनका मंसूबा अब बीजेपी को कर्नाटक से कामयाब कराना, ये इनका एक मकसद है। इस मकसद को आपके दरमियान में खुल के रखना बाहैसियत एक मुसलमान और मेरे दलित भाई और मेरे हिंदू भाई, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन फिरका परस्तों के मंसूबों को आपके सामने रखना, और इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन आएगा तो हम फिर दोबारा आपके दरमियान में आएंगे और आपको तमाम हालात से वाकिफ करवाएंगे। मैं आखिरी में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत यकीन जानिएगा कि मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा ग्यारहवां शरीफ आया हूँ, लेकिन जब ये नौजवानों से मिला तो इन लोगों से मुलाकात की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आते आते देर हो गई, लेकिन आया हूँ एक बार, रुकूंगा नहीं, बार बार आता रहूंगा और कांग्रेस पार्टी को जिंदाबाद कहता रहूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे नौजवानों की धड़कन और शोले बयान मुकर्रर खाजा बिलाल अहमद साहब। अब मैं दावत खिताब देता हूं उमर दराज साहब को। उमर दराज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उमर दराज साहब। अब मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, अब मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, ना के धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहां है ईसा और कुव्वत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। मैं दावत देता हूं उमर दराज साहब से, आप अपने इजहारात ख्याल करें। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, ये खामोश बिजाजी ये खामोश बिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, जीना है तो हराम बन जा, जीना है तो हराम बन जा। चार्जिंग इसमें हम खोल दो, उस कौम से वाबस्ता है जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम। आज क्या वक्त है, आज क्या बात है, मैं इस प्रोग्राम में जो मुझे बुलाया है मैं पहले उनका शुक्रगुजार हूँ। इस महफिल को जिसने सजाया है पूरे दौर में मैंने ये देखा कि उनका नाम